हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा ये लेक्चर है इरीगेशन इंजीनियरिंग का, इसमें हमारा टॉपिक है आपका आज का कैनाल लाइनिंग यानी नहरों का अस्तरीकरण। तो देखिए कैनाल लाइनिंग क्या होता है आपका, क्या होता है जब कच्ची नहर के आधार यानी बेड तथा साइड्स पर अपरिवेशी पदार्थ का उपयुक्त मोटर स्तर लगाया जाता है तो उसे नहर का अस्तरीकरण या लाइनिंग ऑफ कैनाल कहते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा आपका क्या, अपरिवेशी पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ, ऐसा मटेरियल जिससे कि आपका पानी जो है पास ना हो सके, ठीक है, पानी का सीपेज नहीं हो सके, ऐसा हम क्या करते हैं एक अस्तर लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका लाइनिंग ऑफ कैनाल कहलाता है। तो देखिए ये आपका क्या हो सकता है आपका, ये टाइल्स भी हो सकती हैं या फिर कंक्रीट भी हो सकती है। और देखिए सरफेस जो होता है वो हम बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं, स्मूथ इसलिए करते हैं कि अगर यानी कि जो हमने ये लाइनिंग की है अगर इसे हम स्मूथ नहीं करेंगे तो क्या है, ये जो पानी फ्लो होगा तो उसको पानी के फ्लो में क्या रेजिस्टेंस जो है क्रिएट करेगा यानी उसका अवरोध बनेगा। इसलिए हम जो भी लाइनिंग करते हैं जिसमें जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो मटेरियल आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, उसमें फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम क्या होगा आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी, जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होगी तो आपका डिस्चार्ज भी कम होगा यानी लॉसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। देखिए नहरों की लाइनिंग करने पर कच्ची नहर की तुलना में 2 to 2.5 गुना अधिक खर्च आता है यानी जब हम कच्ची नहर खोदते हैं कोई, ठीक है, कच्ची नहर बनाते हैं तो उसके कंपेरिजन में जब आप लाइनिंग करते हैं कैनाल की तब उसमें जो है उससे 2 से 2.5 गुना जो है आपका अधिक खर्च आता है। तो देखिए जब हम नया कैनाल की लाइनिंग करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि उसमें कितना व्यय हो रहा है, ठीक है, यानी लाइनिंग पे कितना आपका खर्च आ रहा है तो या फिर वो ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जो लाइनिंग कर रहे हैं ये हमारे लिए इकोनॉमिकल भी रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें हमें क्या है कैनाल लाइनिंग करने से पहले देख लेना होता है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैनाल लाइनिंग यानी कैनाल लाइनिंग के लाभ और हानियाँ। तो ये कोई भी वर्क करते हैं या कोई भी चीज़ होती है तो उसके कुछ ना कुछ लाभ होते हैं साथ में कुछ हानियाँ भी ज़रूर होती हैं, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे इसकी, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। पहला इसमें आपका एडवांटेजेस यानी लाभ पढ़ेंगे, लाभ क्या होते हैं इसके। देखिए लाभ में अगर बात करें तो पहला होता है आपका रिसन पर नियंत्रण, ठीक है। देखिए जब कि कच्ची कैनाल होती है यानी जब आपने कैनाल का जो है लाइनिंग नहीं की होती है तो वो क्या उसका जो बेड होता है वो किसका होता है, सॉइल का ही बना होता है। तो जब पानी इसमें फ्लो होता है तो पानी का फ्लो के साथ उसमें सीवेज भी होता है यानी पानी जो है रिसने लगता है, और जब पानी रिसता है तो उसमें पानी जो भी आपका कैनाल पानी बहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होते हैं, ठीक है, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 40% तक लॉसेज इसमें हो जाते हैं यानी पानी क्या होता है वो बेकार है। हमें इरीगेशन पर्पज के लिए कितना सिर्फ 60% वाटर ही जो है मिल पाता है। तो अगर आप कैनाल लाइनिंग कर देते हैं तो जो आपका सीपेज के थ्रू जो लॉस होते हैं वो लॉस आपके वो ख़त्म हो जाते हैं, आपके सीपेज लॉस लगभग ज़ीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम मटेरियल लगाते हैं लाइनिंग में वो मटेरियल क्या होता है आपका अपरिवेश्य होता है यानी इम्परवियस होता है, उसमें होकर आपका पानी जो है वो सीपेज यानी नहीं रिस सकता है, क्लियर। पहला एडवांटेज तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है आपका जलग्रस्तता से बचाव यानी वाटर लॉगिंग से क्या होती है प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, यानी जब क्या होता है देखिए जब आपका पानी फ्लो होता है जब कैनाल में पानी फ्लो होता है कौन सी कैनाल में अनलाइन कैनाल में पानी फ्लो हो रहा है आपका तो क्या होगा उसमें पानी सीपेज होगा, ठीक है, पानी का सीपेज होगा ये रिसेगा पानी, तो रिसने के बाद में क्या होता है पानी आपका वहाँ पे एक दलदल क्रिएट कर देता है, इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग, वहाँ पर जो है जलग्रस्तता हो जाती है, पूरा एरिया जल से जो है मग्न हो जाता है और वो जो है आपका खेती के लायक आपकी भूमि नहीं रहती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष लगभग 2% भूमि जो है वो कृषि योग्य नहीं रहती है जलग्रस्तता की वजह से। तो ये भी देखिए ये भी क्या होता है हमारा लाइन करने से ये चीज़ भी हमारी प्रोटेक्ट रहती है ख़त्म हो जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका नहरों की निचली क्षमता में वृद्धि। तो देखिए नहर मतलब निचला क्या होता है आपका जो डिस्चार्ज होता है जब पानी फ्लो होता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका निचला डिस्चार्ज कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्या होता है भीतरी सतह साफ हो जाती है जिससे पानी के बहाव में प्रतिरोध कम हो जाता है यानी जब क्या है आपकी जो भीतरी सतह है वो स्मूथ हो जाएगी बिल्कुल, तब जो पानी में के फ्लो में जो रेजिस्टेंस हो रहा था जो प्रतिरोध हो रहा था वो खत्म हो जाता है और पानी का जो वेग है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ जाती है जिससे डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। देखिए जैसे आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है कि क्यू बराबर होता है आपका ए इंटू वी, ठीक। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका डिस्चार्ज है अगर आपका एरिया कॉन्स्टेंट है,
एरिया अगर आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशन एरिया सब पूरे कैनाल का ग्रेविटेशन एरिया आपने एक खोल रखा हर जगह, तो आपका डिस्चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी उतना ज़्यादा क्या होगा आपका डिस्चार्ज होगा, और जितनी कम होगी उतना ही कम डिस्चार्ज आपका होगा, ठीक है। तो क्या होता है, लाइन करने से आपके जो कैनाल होती है उसमें डिस्चार्ज भी इसका इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गई है। नेक्स्ट है आपका छोटा जाता मिदवियाई नहरखंड। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप जो है यानी कच्ची जो नहर होती है आपकी या अनलाइंड कैनाल होती हैं, तो उसमें क्या होता है आपका ढाल कम देते हैं आप उसमें, ठीक है, ढाल कम इसलिए देते हैं क्योंकि जब आप ढाल ज़्यादा देंगे तो उसमें सॉइल भी फ्लो होना स्टार्ट कर देती है, इसलिए हम कच्ची कैनाल में ढाल कम देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं पक्की के जब कैनाल बनाते हैं, कह सकते हैं कि जब लाइनिंग करते हैं कैनाल की, तब उसे जो ढाल देते हैं हम काफ़ी ज़्यादा ढाल दे देते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ढाल देने का मतलब क्या है कि जिससे कि पानी का जो बेग है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और जब बेग बढ़ जाता है तो कम क्षेत्रफल में ही हमें क्या है ज़्यादा डिस्चार्ज मिलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है छोटे सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है लाइन कैनाल में, और आपके लाइन कैनाल होती है तो उसमें क्या है ज़्यादा सेक्शन चाहिए होता है हमारे, तो ये भी क्या है इसका एक एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है अनुरक्षण में कमी। देखिए कच्ची नहरों की तुलना में अस्थायीकरण नहरों का अनुरक्षण भी है लगभग एक चौथाई रह जाता है। देखिए आपकी जो लाइन कैनाल होती हैं उनमें सिर्फ एक बार व्यय होता है, किसमें लाइनिंग में होता है, लाइनिंग के बाद में क्या होता है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, बहुत कम होती है। और जबकि अनलाइन कैनाल होती है उनमें जो है आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और टाइम टू टाइम है मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है, जबकि लाइन कैनाल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक बार आपने व्यय कर दिया, एक बार आपने लगा दिया उसमें पैसा, उसके बाद में आपको जो है उसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर, तो ये हो गया आपका अनुरक्षण व्यय में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका पानी की चोरी पर नियंत्रण। देखिए क्या होता है कच्ची नहरों में प्रायः अनाधिकृत कटाव करके चालान जमींदार सिंचाई जल की चोरी कर लेते हैं। लेकिन जो आपके अनलाइन कैनाल होती है कच्ची होती है उन्हें हम आसानी से काट सकते हैं और अपने जो है पानी का जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइन कैनाल में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडलीय प्रभावों से अधिक सुरक्षित। देखिए आस्थायीकृत नहरें वायुमंडलीय प्रकोपों बाढ़ आपकी है वर्षा है आदि के प्रति अधिक सुरक्षित रहती हैं। देखिए अब जो अनलाइन कैनाल होती हैं जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है वो जो है टूटने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में क्या होती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जबकि लाइन कैनाल में ऐसा नहीं होता है, वो इन दोनों के प्रति क्या रहती हैं आपकी सेफ रहती हैं। देखिए ये थे सारे आपके एडवांटेजेस थे आपके लाइनिंग ऑफ कैनाल के, तो आई होप आप लोग क्लियर हुए होंगे ये, और इसमें कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।